I'll talk about ketogenic diet. For you to understand ketogenic diet, once you people need to understand that what is ketosis. अब ये चीज़ मैं आप लोगों को इस तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ कि आप नेचुरली जिस तरह फूड लेते हैं, सपोज यू हैव टेकन राइस, यू हैव टेकन एनी फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, व्हेन यू टेक इट योर बॉडी एक्चुअली कन्वर्ट्स इट इनटू ग्लूकोज एंड दिस इज़ एक्चुअली द फ्यूल ऑफ योर बॉडी, दिस इज़ हाउ यू गेट एनर्जी. एंड इन कीटोजेनिक डाइट यू टेक ऑलमोस्ट 75-80% ऑफ लिपिड्स, 5% ऑफ योर कार्ब्स एंड 20% ऑफ योर 20-25% ऑफ योर प्रोटीन्स. ठीक है, सो आफ्टर टेकिंग लिपिड्स, फैट्स इन वट एवर फॉर्म यू टेक इट, योर बॉडी कन्वर्ट्स इट इनटू कीटोन्स. इट इज़ अ टाइप ऑफ एसिड एंड दीज कीटोन्स, दीज आर एक्चुअली द फ्यूल यू आर गोइंग टू गेट इन योर बॉडी. ठीक है, इंस्टेड ऑफ ग्लूकोज. सो द प्रोसेस इज नोन एज कीटोसिस, जिसके ज़रिए जो है ये बनती हैं. काफ़ी एक्सटेंसिव प्रोसीजर्स हैं, प्रोसेसेस हैं हमारी बॉडी के अंदर जो इनको कन्वर्ट करते हैं कीटोन्स के अंदर, और दिस इज़ हाउ वी यूटिलाइज इट इन आवर बॉडी. अब क्या ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो हमें लेने चाहिए कीटोजेनिक डाइट के अंदर, और डूज और डोंट्स क्या हैं, करेक्ट मी अस्मा इफ़ आई एम रॉन्ग. ठीक है, सबसे पहले तो आई विल स्टार्ट विद द ऑयल्स, हमें किस किस्म के ऑयल्स जो हैं वो लेने चाहिए. घी, देसी घी, मैं ज़्यादा उन चीज़ों पे एम्फेसाइज़ करूँगी जो हमारे घर में इजीली अवेलेबल हैं, बजाय कि बहुत सी कोई फैंसी किस्म की चीज़ें. आई वांट एम्फेसाइज़ ऑन दीज थिंग्स जो इजीली अवेलेबल हैं, जो एक्सपेंसिव भी नहीं है और जो हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं, ड्यूएबल है. पाकिस्तान में रहते हैं बिल्कुल, लेकिन यूज़ देसी घी, घर का बनाया हुआ हम देसी घी इस्तेमाल करें. हम बाहर से ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, हम कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, हम बटर यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन मार्जरीन, वी कांट यूज़ मार्जरीन और ये थोड़े प्रोसेस्ड किस्म की चीज़ें. इसके अलावा हम आ जाते हैं वेजिटेबल्स वगैरह की बात करते हैं, तो लेस देन 1 ग्राम कार्ब्स, तो आपके 50-70 अगर आपके पास ग्राम ऑफ कॉलीफ्लोर हो तो उसके अंदर भी लेस देन 1 ग्राम जो हैं कार्ब्स होते हैं. तो इस तरह आप बंद गोभी यूज़ कर सकते हैं, गोभी यूज़ कर सकते हैं, यू कैन यूज़ कैप्सिकम, डोंट यूज़ अनियंस, डोंट यूज़ टमेटोज, दे हैव गॉट वे लॉट मोर कार्ब्स. ठीक, बहुत अच्छी और सारा साल अवेलेबल होती हैं. कद्दू यानी कि मसनून चीज़ भी है, बहुत अच्छी चीज़ भी है. आपके वाइटामिन्स और ख़ासतौर पर बी वाइटामिन्स का कोटा भी पूरा हो जाता है, तो ये कि यानी कि ये एक सस्ती एडिशन हो सकती है, लेकिन आप कीटोसिस से बाहर नहीं जाएंगे, आपकी बॉडी का जो कीटोजेनिक फ्यूल है वो उसी तरह ही रहेगा. डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर आप आराम से यू कैन यूज़ एग्स, ठीक है, मीट, सी फूड यूज़ कर सकते हैं आप, बीफ यूज़ करें, लैम्ब यूज़ करें, आप ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं और इजीली यूज़ कर सकते हैं. इसके अंदर प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है, फैट कंटेंट थोड़ा सा कम है, बट फिलहाल यू नीड टू टेक प्रोटीन्स टू. नेक्स्ट थिंग्स, यू कैन यूज़ केफिर मिल्क इंस्टेड ऑफ यूजिंग योगर्ट, यू नीड टू यूज़ केफिर मिल्क एंड केफिर ग्रेन्स, अस्मा आपको प्रोवाइड कर देंगी. ठीक है जी, और ये कि ये प्रोबायोटिक्स का बहुत अच्छा सोर्स है कि आपके हेल्दी बैक्टीरिया जो आपकी गट में होने चाहिए, जो कि हम एंटीबायोटिक्स खा खा के उनको ख़त्म कर देते हैं, तो वो ये है कि रिप्लेनिश हो जाते हैं. और हेल्दी बैक्टीरिया का फ़ायदा ये है कि वो आपका खाना आपके लिए हज़म कर देते हैं और आपके खाने से एक्सट्रैक्ट करते हैं वो विटामिन और मिनरल्स, और उनको इनफैक्ट इंक्रीज करते हैं. ट्रिपल फूड जो है उनकी क्वांटिटी, आपके फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू इंप्रूव हो जाती है अगर आपके खाने में कोई प्रोबायोटिक्स ऐड है. प्रोबायोटिक्स का मतलब है हेल्दी अच्छे बैक्टीरिया या जो जरासीम हैं कि जो कि आपके गट के अंदर अल्लाह ताला ने पैदा किए हुए थे, लेकिन हमने एंटीबायोटिक्स खा खा के, जो कि आजकल बहुत ट्रेंड हो चुका है कि थोड़ा सा नज़ला जुकाम फ्लू हो और फौरन से जो है वो आप भी क्लैरिसेट ले लें और फौरन से आप एंटीबायोटिक ले लें, तो उसके साथ उसमें ये होता है कि आपके बुरे बैक्टीरिया भी फौत हो जाते हैं और जो आपके अच्छे बैक्टीरिया वो भी वाइप आउट हो जाते हैं. तो ये है कि आपकी गट के अंदर हो तो ये बहुत अच्छी जो चीज़ है ना वो हो जाती है. तो ये कि इसके अलावा कौन से, यानी कि बजट के ऊपर हम कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं खाने, उसके बारे में भी बता दें. जो बजट के अंदर आपके आएंगी सारी सब्जियां हैं जिसको आप आसानी से पनीर के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह यू कैन मेक स्पिनच पनीर के साथ आप बना लें तो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है स्पिनच. आप ये तो हाँ जी बिल्कुल, आप ये इस्तेमाल करें, आप वो भी इस्तेमाल करें,
आप क्रीम के साथ सैलड्स बना के यूज़ करें. यू कैन टेक कबाब्स, ठीक है, चपली कबाब बनाएं. मैंने क्रीम सैलड बनाया, यानी कि ये बड़ा अच्छा एडिशन, टेस्टी एडिशन है आपकी डाइट के अंदर, हेल्दी एडिशन है. इसके अंदर आपको बुरे बुरे खाने खाने की ज़रूरत नहीं है. कीटोजेनिक डाइट इज़ बेसिकली बहुत मज़े के खाने होते हैं, डिलीशियस डाइट होती है कि आपका खाने को दिल जाता है. और आपके इर्द गिर्द के लोगों को भी अगर पता हो कि ये आपके लिए कितना हेल्दी है, तो वो भी ये के साथ जो है खा सकते हैं. एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि इफ़ वी आर नॉट टेकिंग रोटी, राइस, मैदा, व्हाट आर वी गोइंग टू टेक एक्चुअली? सो द अल्टरनेटिव, वी हैव गॉट मैनी गुड अल्टरनेटिव. वी कैन टेक आलमंड फ्लोर, ठीक है, बादाम लें, उसे खुद घर में पीसें, उसकी रोटी बनाएं. और इससे भी अगर आप थोड़ा लो बजट पे जाना चाहते हैं, बिकॉज आलमंड्स आर अ बिट एक्सपेंसिव, तो कोकोनट आप यूज़ करें. कोकोनट जो है उसकी रोटी बनाएं, उसके भी बहुत आसान तरीके हैं बनाने के, आप वो यूज़ करें. इससे भी कम पे आज की तो आपके पास फ्लेक्स सीड्स हैं, और वो भी बहुत मज़े की बनती है. फ्लेक्स सीड्स लेके आप उसे क्रच करें, अलसी, उसका आप बनाएं और वो इस्तेमाल करें. आप आराम से मटन का सालन बना सकते हैं, चिकन का सालन बना सकते हैं, उसको रोटी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं. जिन लोगों को क्रेविंग्स हैं बाहर का खाना खाने की, दे कैन मेक वेरी गुड फूड एट होम. दे कैन मेक ईजिली कप केक्स इन अवन, 1 मिनट कप केक्स, वो यूटिलाइज कर सकते हैं. यू कैन हैव टॉपिंग्स विद चीज़, यू कैन हैव टॉपिंग्स विद ऑलिव, आप मज़े मज़े की टॉपिंग्स कर सकते हैं. ये टेक इन माइंड कि आप अनियंस और टमाटोज़ वगैरह ज़्यादा यूज़ ना करें. और बाकी चीज़ें आप नट्स हम बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं, एंड दे आर वेरी फुलफिलिंग फॉर योर स्टमक. यू कैन यूज़ वॉलनट्स, पीनट्स, आलमंड्स. पीनट्स में ज़रा कम अमाउंट में यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर, उसमें कार्ब्स कॉन्टेंट ज़रा ज़्यादा हो जाते हैं. मोर बेरीज, हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, लेकिन बेरीज ये हैं कि लाइक यू कैन गेट इट इन टिन्स, और वो ज़रा एक्सपेंसिव आ जाता है, क्योंकि हमारे पास स्ट्रॉबेरीज के अलावा बाकी सारी बाहर ही अवेलेबल होती हैं. अच्छा, बेर, बेर आराम से आपको मिल जाएंगे, सस्ती तरीन चीज़ है. लोग दरख्तों में ऊपर चढ़ के बेर उतार, शहतूत है, ये यहाँ पे इतने दरख्त लगे हुए जामन के, बेर के, शहतूत के, ये सब कीटो फ्रेंडली है, सारे कैरोटीनॉइड्स के अंदर रिच हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच हैं. तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में तो बहुत वसी आपके नारियल पाकिस्तान में उगते हैं. बाहर के लोगों ने जहाँ से नारियल लेने, आपकी ज़मीन पे नारियल उगते हैं. अगर आप कीटोजेनिक डाइट फॉलो कर रहे हैं, आप अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं, आप अपनी ज़मीन से उगा हुआ नारियल ले रहे हैं, अपने भाई को, अपनी बहन को जो कोल्हू के ऊपर बैठा हुआ उसको नारियल दे रहे हैं कि लो इसमें से मुझे तेल निकाल दो. और सबसे अच्छी बात है, ये जो तेल आएगा ये 100% प्योर है, इसके अंदर कोई मिलावट नहीं है. वरना यही होता है कि ऑलिव ऑयल तो बाहर से आ रहा है, वो आया मिक्स हुआ, मिलावट हुई नहीं हुई, प्योर है, एक्सपायर्ड है, जैसा भी है. कोकोनट ऑयल तो बेहतरीन चीज़ है, एक तो MCTs का रिच सोर्स है, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स का. दूसरे नंबर के ऊपर आप अगर कोकोनट ऑयल यूज़ कर रहे हैं, ना सिर्फ आप अपनी दिमाग की और हार्ट की हेल्थ को बूस्ट अप करते हैं, आप अपनी इकोनॉमी को बूस्ट अप कर रहे हैं, अपनी ज़मीन की जो खेती है उसको, यानी कि आप बूस्ट अप कर रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं, आपका जो स्मॉल बिजनेसमैन है उसको प्रमोट कर रहे हैं. तो कीटोजेनिक डाइट के ऊपर जो खासतौर पे कोकोनट ऑयल है, उसकी निस्बत से तो मेरे ख्याल से हर पाकिस्तानी को कोकोनट ऑयल यूज़ कर रहे हैं. और वो कम्युनिटी जो कोकोनट ऑयल यूज़ कर रहे हैं, फ़िश यूज़ कर रहे हैं, केरला में, इंडिया में, तमिलनाडु में, वहाँ पे स्टेपल है आपका फ़िश है, कोकोनट ऑयल है. और वो लोग माशाल्लाह से एकेडमिकली बहुत अच्छे हैं, उनकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी है, वहाँ पे ये हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स वगैरह इसका इंसिडेंस बहुत कम है. ये मतलब ये पता नहीं क्यों पंजाब में और पाकिस्तान में ऑन द होल कनोला ऑयल को एक बहुत वो हेलो दिया गया कि बड़ा हेल्दी ऑयल है, हालांकि ये बिल्कुल हेल्दी ऑयल नहीं है. इसकी नस्बत अगर आप MCT रिच जैसे ये कोकोनट ऑयल है या एवोकेडो ऑयल है या ये वाले ऑयल यूज़ करें, तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन है. एवोकेडो यहाँ पर उगता नहीं है, लेकिन ये कि कोकोनट तो मतलब आपके घर की खेती है, जितना मर्जी खाना खाओ. और ये है कि और प्योर, आपको उसके अंदर शक नहीं है. अगर आपने कोकोनट लिया, कोल्हू से निकलवाया है, आपके पास कोई वो पॉसिबिलिटी नहीं रह जाती मिलावट की या ख़राब होने की या कुछ भी ना. और फिर इकोनॉमिकल या आपके बजट के अंदर जो है वो रहे. और इसके अलावा बजट के ऊपर रहते हुए जो है, क्योंकि नॉर्मली ये एक इल्यूजन है कि कीटोजेनिक डाइट बहुत ही महंगी डाइट है, क्योंकि जी देसी घी महंगा है, चीज़ महंगी है. तो और जैसे अब आपने सब्जियां बताई, बेर बताए, इसके अलावा और मतलब क्या हमारे पास ऐसे डिशेज हो सकती हैं? ये चीज़ है,
मेथी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इन्हीं चीज़ यही चीज़ें यूज़ करके हम बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं. यू कैन मेक पिज्ज़ा एज वेल. गोभी की आप बेस बनाएं, ठीक है, कॉलीफ्लावर बेस हो, उसके ऊपर आप टॉपिंग्स करें, ठीक है. चीज़ इतना भी एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन ठीक है, यू कैन यूज़. तो घर में बनाएं चीज़ पनीर, घर में बनाएं. जिस तरह लोगों ने करना शुरू किया तो खुद घर में उन्होंने बनाया. ऐसी बात है. और सबसे अच्छी ऑथेंटिक रेसिपीज तो वही हैं जो आपने घर में बनाई, खुद बनाई. स्मूदीज जो बनती हैं उनमें एंटी ऑक्सीडेंट्स ज़्यादा हैं, फिर दैट इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग. और इसके अंदर मेरे पास सबसे अच्छी बात यह है कि कीटोजेनिक डाइट के ऊपर आप जो खाने खाते हैं ना, वो बेसिकली इतने वो न्यूट्रिएंट रिच होते हैं कि आपको ज़्यादा मकदार में खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. लड्डू है या ये मीठी चीज़ें हैं या ये मैदा है, इनको आपको बार बार हर दो घंटे बाद भूख लगेगी, आपको बार बार खाने की ज़रूरत पड़ेगी. कीटोजेनिक डाइट के ऊपर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वंस अ डे मील कर रहे हैं, एक दफ़ा दिन में खाते हैं और ये नहीं कि फिर बिस्तर पर पड़े हुए हैं, बाकी पूरा दिन मुतहर्रिक रहते हैं, काम करते रहते हैं, अक्ल भी काम कर रही होती है. हाँ, अब वही बात है कि वही आपकी अगर न्यूट्रिशन पूरी हो रही है तो आपके खाने की बार बार ज़रूरत ही नहीं है. मतलब रोटी भी आपने खाई है, मतलब अलसी की रोटी आपने एक खाई, आप अपने लिए दो तीन बना लेते हैं, एक खाएं तो यू फील लाइक यू आर फुल फुल, आपको मजीद खाने की जरूरत नहीं है. वो फीलिंग ऑफ फुलनेस जो है ना, ये बेसिकली आपकी हेल्दी डाइट के अलावा रोटी भी आप इस तरह तैयार करते हैं. वो बेसिकली मैंने तो उसके अंदर ना पैन केक की रेसिपी किया. क्या चीज़ उसमें मिस किया उसके अंदर? पैन केक के अंदर बेसिकली अंडा, दूध, बेकिंग पाउडर और मैदा होता है ना, तो हम मैदा माइनस कर देना, तो उसके बीच लेके उसका मिक्स करना और सारे मिक्सचर में डाल के बना लें. अब एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि रोटी ठीक बन गई, लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि वो टूट रही है, तो मुझे डॉक्टर साहब ने कहा कि आप बीच में ना नारियल का तेल मिक्स करें. तो अभी वो मैंने बीच में जाके ना उसका एक्सपेरिमेंट करना है, एक उसको गूंदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जल्दी जल्दी मिक्स हो जाएगा मिक्सर फटाफट बना के. तो लेकिन मेरी मम्मी कह रही थी कि वो लेस छोड़ देती है, तो आप उसके मटेरियल को रख नहीं सकते. तो आप एक दफ़ा एक दिन में दो तीन रोटियों का बना के ना रोटियां तैयार करके रख लें, तो जिस टाइम आपको भूख लगे उस टाइम आप गर्म करके तो खा लें, देसी घी में, तो वो आसानी हो जाती है उसमें. तो बाकी दूध वगैरह का भी इशू नहीं? थोड़ा सा नहीं, वो दूध तो थोड़ा सा ही डालेंगे ना, मुझे लोग कहते हैं कि अलसी गर्म होती है और सेहत के लिए मुज़र है, अगर आप गर्म चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, यकीन